नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे पुखराज रत्न की क्या विशेषता होती है, यदि आपने पुखराज पहन लिया तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, और जिन लोगों को ये सूट नहीं करता अगर उन्होंने पुखराज धारण कर लिया तो क्या परेशानी हो सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं पीला पुखराज के बारे में। पंडित जी, पुखराज को बृहस्पति का रत्न माना जाता है, सबसे शुभ रत्न माना जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, हर ग्रह के गुणों के हिसाब से और हर ग्रह की क्वालिटी के हिसाब से उसका एक रत्न डिसाइड किया गया है, बताया गया है। उसी तरह से पीला पुखराज भी एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा शुभ और बड़ा पवित्र रत्न माना जाता है। पीला पुखराज बृहस्पति का मुख्य रत्न माना जाता है। नव ग्रहों के नौ रत्न हैं, बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज। ये बृहस्पति को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है। इसको धारण करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं। पीला पुखराज का जो प्रभाव है ये काफी तेज होता है, और जब आप पुखराज पहनते हैं तो इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन बृहस्पति के जो गुण हैं वो पीले पुखराज के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए बिना सलाह के पुखराज कभी मत पहनिए। अगर आप बिना सलाह के पुखराज पहनते हैं तो ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे बृहस्पति बड़ी और गंभीर बीमारियां जीवन में देता है, अगर आपने गलत पुखराज पहन लिया तो आपको जीवन में बड़ी और गंभीर बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इस बात का ध्यान बनाए रखना आपके लिए निश्चित रूप से जरूरी होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि घर में शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए? अगर पूजा घर में शनि देव की कर ली तो क्या परेशानी होगी? देखिए प्रवीण जी, शनि देव की पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, लेकिन शनि देव का चित्र रखना या शनि देव की मूर्ति रखना ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। शनि की दृष्टि विनाशकारी होती है, इसीलिए शनि का चित्र जिसमें उनकी दृष्टि हो उसके सामने बैठेंगे नुकसान होगा। शनि की मूर्ति जिसमें उनकी आंखें हो उसके सामने पूजा करेंगे नुकसान होगा। तो मुख्यतः बात यह है कि शनि का मंत्र, शनि का ध्यान मंत्र, शनि की स्तुति, ये सब आप अपने घर में जरूर कर सकते हैं, लेकिन शनि की मूर्ति या चित्र आप अपने घर में बिल्कुल ना रखें, उससे आपको नुकसान होगा। अब मान लिया आपने शनि चालीसा रखी है अपने घर में पढ़ने के लिए और उसके ऊपर शनि का चित्र बना हुआ है, तो उसके ऊपर कवर चढ़ा दीजिए और कवर चढ़ा के उसको रखिए। शनि के चित्र और मूर्ति को किसी भी तरीके से घर में रखना उचित नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।